For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अताउल्ला आरिफ है। मैं कंसल्टेंट सर्जन लेडीडिंग हॉस्पिटल पिशावर में सर्जिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं और पिछले 22 साल से मैं सर्जिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं और जिसमें डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और मरीजों के ऑपरेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मुझे मधु किया गया है रिगार्डिंग हेमोराइड्स के मैं हेमोराइड्स जो एक कॉमन डिजीज़ है उसके बारे में बात कर सकूँ। बेसिकली हेमोराइड को उर्फ आम में बवासीर भी कहा जाता है और बवासीर एक काबिल इलाज मर्ज़ है और इसकी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये बीमारी दरपेश है। बवासीर बेसिकली पीछे मकद जो बड़े पखाने की नाली है वहाँ से मोको का ज़ाहिर होना, रगों का, नसों का ज़ाहिर होना और वो डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट ग्रेड्स में आते हैं जिसमें कुछ अलामत होती हैं। सबसे बड़ी अलामत उसकी ब्लीडिंग है कि पखाने में खून का अखराज। तो बवासीर के पेशेंट्स डिफरेंट ग्रेड्स में हमारे पास आते हैं। इसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक होते हैं। बाज़ बवासीर छोटे होते हैं, बाज़ बवासीर दरमियाना होते हैं, बाज़ बवासीर बहुत बड़े कर जाते हैं जो कि पखाने में पेशाब की नाली से बाहर निकल आते हैं और आखिरी स्टेज में ये कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब यह कि इसमें पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, फिर इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो बहुत से लोग जो हैं बवासीर के इलाज के लिए हमारी ओपीडीज़ में हमारे पास आते हैं और हमारी मदद तलब करते हैं रिगार्डिंग डायग्नोसिस, रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड रिगार्डिंग फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल। तो उसमें यह कि हम उनको मुफीद मशवरे देते हैं। जो बवासीर दवाइयों के साथ ठीक हो सकता है उसको हम दवाइयों के साथ कोशिश करते हैं कि उसको ट्रीट करें और जो बवासीर ज़रा ज़्यादा एडवांस स्टेज में हो तो उसको हम कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन के साथ इलाज उसका मुमकिन हो सके। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। अच्छा, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि बवासीर की मेन काजेस क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसमें डिफरेंट एक बहुत बड़ी लिस्ट है लेकिन अगर मैं चीदा आपको बताऊं तो बवासीर में मुख्तलिफ काजेस हैं जिसमें मोटापा भी आता है, जिसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर कोई बहुत ही आराम पसंद है वो भी है। बवासीर में हेवी लिफ्टिंग, एक बंदा है मजदूर है या कोई हेवी लिफ्टर है बहुत ज़्यादा भारी काम कर रहा है, जोर लगा रहा है, उसको भी बवासीर हो सकती हैं। दूसरी बात, ये सिगरेट नोशी और कॉफ़ी ज़्यादा पीना, अल्कोहल तो खैर हमारे मुल्क में इतना आम नहीं है लेकिन ये भी काजेज़ हो सकती हैं। दूसरी कोई भी डिजीज़ जो कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा करे, जो कि पेट के अंदर जो तनाव है बड़ी का वो ज़्यादा करे, वो बवासीर काज कर सकता है। और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, जिस तरह हमारे पुलिसमैन भाई हैं या वॉचमैन भाई हैं जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, उनको बैठने के लिए बहुत कम मौका मिलता है, उनको बवासीर की शिकायत हो सकती है। बवासीर की अलामत मुख्तलिफ किस्म की है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ग्रेड्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी ग्रेड में है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। 4 तो कॉम्प्लिकेटेड ग्रेड है जिसमें बहुत ज़्यादा अलामत होती है लेकिन इनिशियली मरीज़ जब हमारे पास ओपीडी में आता है तो वो एक ही कंप्लेंट होती है कि नीचे से पखाने में खून जा रहा है और वो बिल्कुल ताज़ा रंग, सुर्ख रंग का खून होता है। ये बवासीर की पहली अलामत है। बाज़ औक़ात मरीज़ फील करता है कि वहाँ पर कोई मोका सा निकलता है, कोई रग सी निकलती है, कोई दाना सा निकलता है। अब वो दाना भी डिपेंड करता है स्टेज पर या ग्रेड पर कि वो आया पखाने के साथ निकल के खुद वापस जाता है या उसको खुद ही वापस ले जाना पड़ता है उंगली के ज़रिए। और फिर आखिरी ग्रेड में ये कॉम्प्लिकेट कर जाता है तो उसमें पेचीदगियाँ जाती हैं जिसमें एब्सेस हो सकता है, जिसमें पीप भर सकती है, जिसमें गैंग्रीन हो सकता है, जिसमें सेवेयर पेन हो सकता है। पेन बहुत बड़ी अलामत है लेकिन पेन तब आएगा जब बवासीर कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। वैसे भी अगर छोटे ग्रेड में बवासीर है तो ज़्यादा पेन नहीं होता, सिर्फ ब्लीडिंग होती है, ब्लड आता है, ख़ारिश होती है, एबनॉर्मल सा डिस्चार्ज आता है और सॉइलिंग होती है। सॉइलिंग का ये मतलब ये है कि पखाना करने के बाद मरीज़ अगर अपने आप को टॉयलेट पे पेपर से साफ करे तो पूरी तरह सफाई नहीं होती। तो ये अलामत हैं जिसकी वजह से मरीज़ को अक्सर तशवीश होती है कि भाई इस चीज़ का भी इलाज करना चाहिए, ये भी कोई इलाज लेने वाली बीमारी है।
मरीज हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में या हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो जिधर हम रह रहे हैं, यहाँ पर सोशल टेबूज बहुत ज़्यादा हैं। मरीज़ अगर बवासीर के साथ आता है और डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आता है तो वो सबसे पहले अपने रफ़क़ा यार या जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे या रिश्तेदार हैं, उनसे मशवरा लेंगे रादर देन गोइंग टू द प्रॉपर डॉक्टर सीकिंग प्रॉपर कंसल्टेशन। तो मरीज़ सबसे पहले जो घरेलू टोटके है वही इस्तेमाल करता है। घरेलू टोटके में बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसमें क्रीम भी हैं, जिसमें ये खुराक की भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ऑफ नो यूज़, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, हमारे एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है जिसको हम टकोर कहते हैं, कि बंदा कहता है कि इसको गर्म टकोर दो, इसको ठंडा टकोर दो, उससे अगर ख़ारिश है या फैन है या उससे कंप्लीट ख़त्म तो नहीं हो सकती, थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन ओरिजिनली बवासीर तो अपनी जगह कायम है, तो वो दोबारा आ जाएंगे, रिकरेंस के साथ जाएंगे। तो वक्त ही इलाज के लिए ठीक है अगर पानी से धोया जाए या नीम गर्म पानी से धोया जाए या कोई मरहम की जाए या कोई ख़ास खुराक खाई जाए, तो उससे गुजारा तो हो जाता है सिम्टम्स में, अलामात में, लेकिन डिजीज़ अपनी जगह तो मौजूद है, तो दो दिन बाद, तीन दिन बाद, पाँच दिन बाद दोबारा आ जाएगा। मरीज़ बवासीर के साथ जब हॉस्पिटल में आता है तो उसको सबसे पहले हम तो हिस्ट्री लेते हैं, उसकी हिस्ट्री बेस है, एक डायग्नोसिस माइंड में बन जाती है, फिर उसका मुआयना करना होता है। तो मुआयने में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम ओपीडी में इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहले तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है। इसका मतलब ये है कि आप बड़े पेशाब की नाली को एग्ज़ामिन करते हैं और उंगली से देखते हैं कि क्या है। उसके बाद एक और मॉडलिटी है इसमें जिसको हम प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं। प्रोक्टोस्कोपी का मतलब है कि पखाने की जो नाली है, बैक पैसेज, उसको हम एक ख़ास आले से मुआयना करते हैं और उसके अंदर हम जान के देखते हैं कि क्या बीमारी चल रही है या क्या, अगर है भी बवासीर तो कौन सी सिवेरिटी में है, किस लेवल पर है। तो प्रोक्टोस्कोपी के लिए हमने आम अपनी प्रैक्टिस में देखा हुआ है कि बहुत से लोग एग्री नहीं करते, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल रीजंस और बिकॉज ऑफ वट एवर, लेकिन उसको एग्री नहीं करते। लेकिन सबसे पहले हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करने के बाद प्रोक्टोस्कोपी टेस्ट, जो कि मैंडेटरी है, जो कि बहुत ज़रूरी है तशख़ीस तक पहुँचने के लिए, तो उसको हम परफॉर्म करते हैं एज़ ओपीडी प्रोसीजर। उसके लिए कोई दाखिले की ज़रूरत नहीं होती, ओपीडी में ही किया जाता है, एब्सोल्युटली पेनलेस है और एब्सोल्युटली कोई गैर मुज़र, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, लेकिन उसमें हमें बहुत सी मालूमात का पता चल जाता है। तो मरीज़ को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हम उसको पर्दे की जगह में ले जाके उसकी आंतकी नाली का मुआयना करते हैं प्रोक्टोस्कोपी के ज़रिए। जी, जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें हर्बल क्रीम्स भी आती हैं, दवाइयाँ भी आती हैं, खुराकें भी आती हैं। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसी दवाइयाँ वक्ती तौर पर अलामात को कम कर देती हैं, लेकिन अलामात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करती, क्योंकि डिज़ीज़ ऑलरेडी मौजूद है। तो जब तक डिज़ीज़ का इलाज ना किया जाए, तो ये लोकल रेमेडीज़, जो लोकल हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या कोई ऑइंटमेंट्स हैं या तेल वगैरह है, कुछ भी है, तो वक्ती तौर पर अलामात कम कर सकती हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकती। हमारे पास बाज़ार में मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें अवेलेबल हैं, जिसको OTC क्रीमें कहते हैं, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब ये है कि एनीबॉडी कैन गो, कहीं पे भी जाके आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टरी की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके बगैर जाके आप अपना क्रीम ले लेते हैं और क्रीम यूज़ करते हैं। अगर आप जायज़ा लें तो पाकिस्तान में सौ के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से क्रीमें अवेलेबल हैं, लेकिन इस क्रीम का फ़ायदा कोई ख़ास नहीं है। इस क्रीम के हो सकता है लगाने से वक्ती तौर पर आराम आ जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि डिज़ीज़ तो बाय देयर एंड देन मौजूद है। जब तक डिज़ीज़ का खात्मा नहीं होगा तो ये सिम्टम्स दोबारा आ जाएंगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि क्रीमें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्रीम लगाने से वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, लेकिन बात बिगड़ जाती है जब डिज़ीज़ अपनी जगह मौजूद हो। तो समटाइम्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्रीम्स हमारे पास मरीज़ आते हैं कि उन्होंने दो तीन चार दिन हफ्ते तक क्रीमें लगाई होती हैं, डिफरेंट टाइप के टोटके किए होते हैं, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो कॉम्प्लिकेट होके आ जाते हैं, फिर हमें भी डायग्नोसिस में और इलाज करने में प्रॉब्लम होती है और मरीज़ को तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लिकेशन के साथ। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। अब आते हैं इलाज की तरफ।
इलाज में मुख्तलिफ किस्म की मोडलिटीज़ हैं, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि हर बवासीर का इलाज ऑपरेशन नहीं है, और यही एक वाहिद वजह है जो कि मरीज़ अक्सर रिलेक्टेंट होता है, हिचकिचाहट महसूस करता है किसी प्रॉपर सर्जन कोलोप्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, क्योंकि उनका ख्याल ये होता है कि अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और उन्होंने सीधा सीधा सर्जरी का कह देना है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनी पीपल ऑब्वियसली। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये डिपेंड करता है ग्रेड पर, वेदर इट इज़ ग्रेड 1 और ग्रेड 2, 3 और 4। अगर ग्रेड 1, 2 है तो उसको हो सकता है कि दवाइयों के साथ उसके सिम्टम्स में कमी आ जाए और उसकी बीमारी की नोयत भी कम हो जाए, लेकिन जाहिरी बात है अगर 3 और 4 में चला गया है और कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, पेचीदगियाँ हो गई हैं, तो फिर तो डेफिनेटली सर्जरी ही है। लेकिन पहले ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, उसमें बग़ैर ऑपरेशन के भी इसका इलाज मुमकिन है। तो बग़ैर ऑपरेशन के अगर मैं उसको लिस्ट बताऊं इसमें, तो बग़ैर ऑपरेशन के उसमें हम एक वो भी देते हैं, कुछ गोलियां भी देते हैं ताकि वो कम हो जाएं, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप की क्रीम्स भी देते हैं जिसमें अलामात कम हो सकती हैं, बीमारी नहीं, बीमारी की नोयत वही होगी लेकिन अलामात कम हो सकती हैं। उसमें फिर रबर बैंड लाइगेशन भी आती है, उसमें डिफरेंट टाइप की सर्जरीज भी आती हैं, लेकिन अगर सिर्फ सर्जरीज जो कि कटिंग के लेवल पे है जिसमें मरीज़ अक्सर घबराता है, वो हमने रिज़र्व किया हुआ है सिवेयर और एक्सट्रीम केस के लिए। तो हर एक केस बवासीर का ऑपरेशन के ज़रिए उसका इलाज नहीं है, और हर एक केस बवासीर का दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है। दिस इज़ अ सिंपल मैसेज टू ऑल। तो मेरा मैसेज आम आवाम के लिए ये है कि जो भी बंदा किसी भी तरह की उसका सोच है, उसके ख्याल है कि उसको बवासीर की बीमारी है या समथिंग इज़ रॉन्ग विद द बैक पैसेज, तो उसको चाहिए कि वो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाए, रादर देन इधर उधर फिरता रहे या घरेलू टोटके लेता रहे या डिफरेंट टाइप के जो नीम हकीम टाइप के लोग हैं उनसे इलाज करता फिरे और अपनी बीमारी की शक्ल बिगाड़ दे। मेरा उनको मशवरा ये है कि वो किसी प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर के पास जाए, किसी अच्छे सेंटर में जाए, अपना बाकायदा मुआयना करवाए, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो और उसकी बीमारी की नोयत का पता चले कि वो कौन सी ग्रेड में है, तो उसके मुताबिक वो इसका इलाज करवा सके। अब मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हर बवासीर काबिले सर्जरी नहीं होती, बाज़ ग्रेड्स इस तरह होती हैं जिसको हम दवाइयों के साथ भी कवर कर लेते हैं, और ये लोगों का एक गलत ख्याल है लोगों के अंदर, विच वी कैन से इट्स अ मिथ के सर्जन के पास जाएंगे और उसने सीधा ऑपरेशन के लिए ही कह देना है। दिस इज़ नॉट राइट, ये बिल्कुल गलत बात है। सर्जन हमेशा जाके एवेल्यूएट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर जो भी उसकी नोयत होगी उसके मुताबिक ही बात करेगा। तो मेन बल्क अगर इस बीमारी का देखा जाए तो वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकती है, सर्जरी बहुत लास्ट ऑप्शन है। लेकिन जाहिर बात है अगर मरीज़ कम्प्लिकेट कर जाए, अगर मर्ज कम्प्लिकेट कर जाए, उसमें पेचीदगी आ जाए, उसमें पीप बन जाए या उसमें गैंग्रीन बन जाए या वो प्रोलैप्स हो जाए, बाहर आके अंदर रिड्यूस ना हो सके, तो फिर जाहिर बात है सर्जरी उसकी लास्ट ऑप्शन है। लेकिन मैं फिर स्ट्रेस करना चाहूँगा कि मैक्सिमम बल्क बहुत ज़्यादा मरीजों की तादाद बग़ैर ऑपरेशन के भी काबिल इलाज है।